नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यहां तक कह दिया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, हमें डीजीपी को तलब करने पर मजबूर ना करें। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2022 में अपने एक आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था अहर्ता पूरी करने वाले कैदियों को समय पूर्व रिहाई करने का लाभ दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल यात्रा से पहले धमकी भरा पत्र मिला है। लेटर भेजने वाले ने 24 अप्रैल को पीएम मोदी को कोच्चि यात्रा के दौरान आत्मघाती हमले की धमकी दी है। इस पत्र में भेजने वाले का नाम और पता सब कुछ लिखा गया है। इसके तुरंत बाद पुलिस वहां तक पहुंच गई जिसका नाम पत्र में लिखा था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वो डर गए और सभी आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि किसी ने मुझे फंसाने के लिए मेरे नाम लेटर के ऊपर लिख दिया है, जबकि मुझे मालूम तक नहीं है कि ये मैटर क्या है। हालांकि केरल में हाई अलर्ट है, वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। यूपी पुलिस की कस्टडी में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि उसके हत्यारे आतंकवादी हैं। उन्होंने आरोपियों पर यूएपीए नहीं लगाए जाने को लेकर यूपी सरकार पर कई सवाल दागे हैं। एआईएमआईएम सांसद ने हत्या की साजिश पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस्तेमाल किए गए प्रत्येक हथियार की कीमत 8 लाख रुपए है। हमने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि हत्या के एक आरोपी का परिवार झोपड़ी में जबकि दूसरे का परिवार एक कमरे में रहता था। उसके पास यह अवैध धन कहां से आया? आंध्र प्रदेश के मंत्री रहे वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपी सांसद के साथ तेलंगाना हाईकोर्ट का दोस्ताना बर्ताव सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को रास नहीं आया। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला गले के नीचे नहीं उतरा, ये कानून के नाम पर भद्दा मजाक है। सीजीआई ने तुरंत हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि आरोपी से आरोपी की तरह बर्ताव किया जाए, किसी दोस्त के जैसे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड जल्द ही पूरा होने वाला है। 100वां एपिसोड पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी देशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। अगले रविवार यानी 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात की 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी देशवासियों को 100 रुपए के सिक्के की सौगात देने वाले हैं। अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने वीजा से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इस साल 10 लाख से ज्यादा वीजा भारतीयों के लिए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बाइडेन प्रशासन इस गर्मी में स्टूडेंट वीजा को जारी करने के लिए काम शुरू कर देगी। अरुणाचल प्रदेश में चीन नजरें गड़ाए हुए, बार बार वे कुछ न कुछ तनाव पैदा करने वाली हरकतें करता रहा है। पहले तवांग में उसने कब्जा करने की कोशिश की, भारतीय जवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि वापस सैनिकों को लौटना पड़ा। इसके बाद G20 बैठक की एक मीटिंग अरुणाचल प्रदेश रखी गई तो चीन ने उसे बायकॉट कर लिया। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने यहां के कुछ जगहों को नाम भी बदल दिए हैं। अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में रेलवे का नेटवर्क बढ़ाने जा रहा है, इसके लिए तैयारियां पूरी हो रही है। जल्दी चीन को फिर भारत अपनी भाषा में जवाब देगा। यदि आप अपने आयकर रिटर्न को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है, लेकिन उसके बाद भी आप एएनआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको न्यूनतम 5,000 रुपए तक की पेनल्टी देनी होगी। आयकर विभाग आपको साफ तौर पर कह रहा है कि 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल कर दे, नहीं तो आपको 1 अगस्त से पेनल्टी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अलावा आयकर विभाग कुछ खास परिस्थितियों के करदाताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कर सकता है। पटना में लॉन कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जरूर जेल जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राहुल गांधी को मैं इतना गाली देता हूं, लेकिन मुझे कोई जेल नहीं भिजवाता, जबकि मैंने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में भी जेल भिजवा दिया है। आज दोनों बेटे माँ बेटे बेल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरा परिवार बैलगाड़ी पर है। तिरुपति मंदिर के मामले पर कुछ मुझे उनके तरफ से बहस करने को कहा गया है। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के हिंसक झड़प के बीच उड़ान में बवाल जारी है। हिंसा के बीच वहां कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इन्हें सूडान से भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय से अपील की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में करीब 4,000 भारतीय रह रहे हैं, इनमें हक्की पिक्की समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इन्हें भारत लाने के लिए हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने तलब किया है। जम्मू कश्मीर में उनके राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। अब इन सबके बीच राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों पर पलटवार किया। पुलवामा वाले बयान का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी से अलग होने के बाद ही उन्हें ये सारी बातें क्यों याद आने लगी, उनकी आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी जब वो सत्ता में बैठे थे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छुपाना पड़े। ऑस्ट्रेलिया के आवास सामाजिक और सामुदायिक आवास मंत्रालय के मंत्री माइकल सुक्कर ने शुक्रवार को कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हिंसा और हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ जैसी
गतिविधियों और कुछ खालिस्तानियों की गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर 3 महीने में किसानों के खाते में पहुंच रही है। 13 किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है, जबकि 14 किस्त का किसान अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसी भी अपात्र को किस्त का पैसा न मिले, इसके लिए साल भर से अपात्र किसानों का सफाई अभियान चल रहा है। वहीं बिहार के भागलपुर जिले में 2062 पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 13वीं किस्त नहीं मिल सकी है। किस्त न मिलने पर किसान परेशान हो गए। सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण किसानों के आवेदन सरकारी कार्यालय में ही पड़े रह गए हैं, उन्हें ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया, इससे किसानों को सम्मान निधि योजना नहीं मिल सकी है। भिवारी पुलिस के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान मेरी पुलिस मेरा अभियान के तहत साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 32 लाख रुपए के 105 अलग अलग तरह के मोबाइल बरामद किए हैं। इस पूरी कार्रवाई में भिवारी के साइबर सेल इंचार्ज सचिन शर्मा का अहम रोल है। एनसीईआरटी के सिलेबस से चार्ल्स डार्विन का पृथ्वी से जीवन की उत्पत्ति संबंधित चैप्टर हटाए जाने पर हंगामा मचा हुआ है। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति में परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि इस पृथ्वी पर जो शक्तिशाली होगा वह बचेगा। 20वीं सदी के आरंभ में रूस के महान नेता व्लादिमीर लेनिन ने लेनिनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शनिवार को लेनिन की करीब 150वीं जयंती मनाई जा रही है, पर रूस में ही लेनिनवाद हाशिए पर है। केवल चीन, कोरिया और लैटिन अमेरिकी देशों में लेनिनवाद की विचारधाराएं अभी जीवित है। क्या आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों को लेकर भारत का प्राचीन इतिहास सर्वनिम रहा है? यहाँ पर एक से बढ़कर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटीज भी रही हैं, जिनका रुतबा आज के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा हुआ करता था, और यह विश्वविद्यालय दुनिया भर के ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। भारत के विश्वविद्यालयों के इतिहास में तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसे भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यह विश्वविद्यालय तक्षशिला शहर में था, जो कि प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी थी। हरियाली बचाने सहित बिना किसी बाधा के विकास कार्यों को जारी रखने के लिए पेड़ों का स्थानांतरण शुरू किया है। करीब 3.5 साल बाद इस नई योजना के परिणाम के तौर पर पेड़ों के जीवित रहने की दर करीब 3.5 साल बाद इस नई योजना के परिणाम के तौर पर पेड़ों के जीवित रहने की दर करीब 40-45% सामने आ रही है। मृत होने वाले अधिकतर पुराने और बड़े पेड़ है। ये ऐसे पेड़ है जिनकी औसत आयु करीब 20 साल से अधिक है। ऐसे में मृत इन पेड़ों की जगह नए पेड़ों को लेने में लंबे समय का इंतजार करना पड़ सकता है। रेलवे यात्रियों का सफर पहले से सुहाना होने वाला। स्टेशन और ट्रेन को साफ रखने के लिए रेलवे की तरफ से जबरदस्त प्लान बनाया गया है। कोरोना काल में सख्ती के बावजूद रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों के थूकने की आदत कंट्रोल नहीं हुई है, लेकिन रेलवे की तरफ से इस तरह की आदतों को कंट्रोल करने के लिए नायाब तरीका ढूंढा गया है। यात्रियों को रेलवे स्टेशन परिसर में थूकने से रोकने के लिए 42 स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन और कियोस्क लगाने पर काम किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से इस वेंडिंग मशीन में 5 से 10 रुपए के पाउच वाले थूकदान दिए जाएंगे। कई रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले साल दिवाली तक ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे पहले ही बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता ठंडे बस्ते में चला गया। यूके सरकार के व्यापार मामलों की जांच करने वाली एक क्रॉस पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत के साथ ब्रिटेन की चल रही बातचीत के बारे में उपलब्ध कराई गई जानकारी की कमी को लेकर ऋषि सुनक सरकार की कड़ी आलोचना की है। खेती किसानी में किसानों के सामने बीजों की क्वालिटी एक बड़ी समस्या उभर कर आई है। मार्केट में नकली बीज के माध्यम से किसानों को ठगा जा रहा है, इससे उनके उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है। इसका असर देश के कृषि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बीज असली है या नकली, इसके बारे में पता करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है साथी रखा गया है। साथ ही इसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। प्रत्येक वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अगर कोई वाहन मालिक बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाता है तो पकड़ा जाता है, तो उसे भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस कवर या लायबिलिटी कवर एक ऐसी पॉलिसी है जो कार मालिक या वाहन के ड्राइवर को किसी भी कानूनी दायित्व, आकस्मिक देयता, वित्तीय नुकसान या संपत्ति की क्षति, चोट लगने या यहां तक कि मौत की स्थिति में चिकित्सा व्यय कवर से बचाती है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को कहा है कि उनकी सरकार ओडिशा को दुनिया का कौशल केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्होंने उद्योगों और निजी क्षेत्र में इस प्रयास में भागीदार बनने के लिए आने का आग्रह भी किया है। यहाँ कलिंगा स्टेडियम में पहले ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि ब्रांड स्किल्ड इन ओडिशा में अब दुनिया भर में चमकने के लिए तैयार है। क्लाइमेट वॉरियर और यूथ आइकन भूमि पेडनेकर हिमालय पर सफाई के लिए एक बड़े मिशन के लिए तैयारी कर रही है। भूमि एक नॉन प्रॉफिट संस्था हीलिंग हिमालयास के साथ जुड़ी है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में पारिस्थितिकी संरक्षण के दिशा में बहुत व्यापक और अनुकरणीय कार्य कर रही है। भूमि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एम्बेसडर है और वे हीलिंग हिमालय की गुडविल एम्बेसडर भी बनने जा रही है।
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार का इस वक्त एक भी बयान काफी मायने रखता है। बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच उनके हर एक बयान पर भी नजरें हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि बीजेपी को साल 2014 और 2019 में केवल पीएम मोदी की वजह से ही जीत मिली थी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, अंशु प्रिया, साकिर हुसैन, अनवर आलम, जितेंद्र ठाकुर और संजय चौधरी। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने अपने जीवन काल में कितने पौधे लगाए हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।